स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्वेश्चन देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में अगर टैंक के साथ साथ ट्यूब भी हम कनेक्ट करते हैं, टैंक के साथ साथ ट्यूब कूलिंग पर्पस के लिए, जिससे कि फास्ट कूलिंग हो सके, तो इसके बेसिस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि क्या सरफेस एरिया होना चाहिए और ट्यूब का और कितने नंबर ऑफ ट्यूब्स इसमें होना चाहिए। तो ये डाटा दिया हुआ है इसमें, यह एक टैंक जो है ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है 1250 किलो वोल्ट एम्पीयर, नेचुरल वाल कूल्ड है। नेक्स्ट इसमें है कि इसका डायमेंशन है टैंक का, जो टैंक बनेगा टैंक का डायमेंशन, टैंक इसका डायमेंशन 0.65 मीटर, 1.55 मीटर, 5 किलो 1.85 मीटर। नेक्स्ट इसमें है कि जो फुल लोड लॉस, लॉस जो है लॉस यानी कि कॉपर लॉस, कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस एट फुल लोड, आयरन लॉस कॉन्स्टेंट है, कॉपर लॉस 100 पर यह कैलकुलेट करके आया है, ये दिया हुआ है 13.1 किलो वाट यानी कि 13,100 वाट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लॉग, इसमें जो टैंक है, जो टैंक है टैंक में ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो है इसको हम एडिट करेंगे, यहाँ से हीट रेडिएट नहीं होगा और यहाँ पे कूलिंग नहीं होगा, ठीक है। कूलिंग दो तरह से होते हैं, एक पहला तरीका है कूलिंग का कन्वेक्शन जो बाहर के सतह पर होंगे, और सेकंड है यहाँ पे रेडिएशन। इस कूलिंग में ऊपर और नीचे में कूलिंग जनरेट कर देते हैं। अब कन्वेक्शन और रेडिएशन का अगर बात है तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कन्वेक्शन के थ्रू जो लैम्डा है, लैम्डा कन्वेक्शन ये है 6.5 स्पेसिफिक हीट, 6.5 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, और रेडिएशन की वजह से जो लैम्डा है ये चीज आपका है 6 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, ये आपका वैल्यू दिया है। यहाँ सिंपल है जो डाटा, जिसे जैसे कि हमने देखा है प्रीवियस क्लासेस में, जो उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल है, तो ये क्या होता है ये डिटेल में आपको पता है। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब हम टी यूज करते हैं कूलिंग के लिए, तो इसका जो फास्ट कूलिंग करता है इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ट्यूब में किसमें होता है कन्वेक्शन प्रोसेस है, कूलिंग होता है उसमें रेडिएशन नहीं होता, और उसमें जो फास्ट कूलिंग होगा तो इसका जो एफिशिएंसी है कूलिंग करने का फास्ट 40% से इंक्रीज होगा, +50%, यानी कि अगर बात करें टैंक के रेस्पेक्ट में 140/100 इसको मिल सकता है, ठीक है। अगर 100 टैंक का है तो 150। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन में नेक्स्ट है कि टेम्परेचर राइज
जो फाइनल टेम्परेचर जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ट्रांसफार्मर में इन द वायर वो 40 डिग्री सेल्सियस है, और हर ट्यूब का जो लेंथ है हर एक ट्यूब का लेंथ दिया गया है कि 1 मीटर लेंथ है, और इसका जो डायमीटर है यहाँ पे डायमीटर यहाँ दिया हुआ है 50 mm। इसका सरफेस का सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं 8 mm। तो हमें क्या निकालना है, फाइनली जो निकालना है हमें नंबर ऑफ ट्यूब्स हमें निकालना है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्यूब्स कितनी ट्यूब होंगे ये हमें निकालना है। ओके, सिंपल सा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे पहले सरफेस एरिया टैंक का निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ टैंक, ठीक है, जो कि इफेक्टिव है, इफेक्टिव वाला पार्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव में कौन सा है, वर्टिकल सेल्स, देखिए ए वाला पार्ट इसके पीछे इस साइड में और इसके पीछे, ये वर्टिकल वाला पार्ट है। मान के चलो ये आपका टैंक है, तो ए ए और ए ए चारों जो वर्टिकल शेप है ये चीज आप कूलिंग में आएगा। ऊपर नीचे को हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम कूलिंग में नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये विड्थ है, ये लेंथ है, ठीक है। तो विड्थ ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ये हो जाएगा विड्थ इंटू हाइट, और एरिया कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। और इसके पीछे भी रहेगा, यहाँ पीछे रहेगा, तो क्वेश्चन ये कितना आ जाएगा, 2 times विड्थ इंटू हाइट प्लस 2 times लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करें तो इसको आ जाएगा 2hW+L। इसको सॉल्व करके 2 × h का वैल्यू है 1.85 × 0.65 प्लस 1.55, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 8.14 meter स्क्वायर। सरफेस एरिया जो हमारे समाज क्लीन होगा उसका एरिया कितना आ जाएगा, 8.14 meter स्क्वायर, ठीक है। एक और क्वेश्चन आसान है, इसको बाद में यूज करेंगे। इसको नेक्स्ट पार्ट में आता है, लॉस डिसिपेटेड बाय टाइम वाज, ठीक है। तो लॉस डिसिपेटेड कितना आ जाएगा, तो हमें पता है कि अगर कन्वेक्शन, इससे दो चीजें अगर दो तरीका से होगा, एक होगा कन्वेक्शन से और दूसरा होगा रेडिएशन से। हमने बात किया कि दो तरीका से गर्म होगा, तो कन्वेक्शन में स्पेसिफिक हीट यहाँ पर दिया हुआ है 6.5 watt/m² डिग्री सेल्सियस, यानी जो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यहाँ पे एस टी, एस टी कितना निकल गया है 8.14 meter square, ठीक है। तो इसको वैल्यू यहाँ पे कर सकते हैं, और रेडिएशन में दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें दिया हुआ है 6 watt/m² डिग्री सेल्सियस, इनको यहाँ पे एस टी यानी कि 8.14 meter square यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये टोटल आपका लॉस जो डिसिपेटेड होगा, जो जो बाहर एनवायरमेंट को डिसिपेट होगा, इसका वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ट्यूब्स, जो ट्यूब्स हमने यूज किया है, ट्यूब्स के लिए हमें हीट डिसिपेटेड बाय कूलिंग ट्यूब्स ड्यू टू कन्वेक्शन, क्योंकि ट्यूब्स के अंदर में रेडिएशन तो होगा नहीं, लिक्विड का फ्लो या जो भी फ्लूइड का फ्लो यहाँ पे कन्वेक्शन होगा, तो हीट डिसिपेटेड कितना होगा। तो लेट मानते एरिया ऑफ ट्यूब, लेट एरिया ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू एक्स टाइम द एरिया ऑफ टैंक,
एरिया ऑफ टैंक है इनकी एक्सटेंड से मल्टीप्लाई कर तो एरिया ऑफ ट्यूब रहेगा, और लॉस डिसिपेटिंग कितना होगा, हीट डिसिपेटिंग की बात करें तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ का लैम्डा कन्वेक्शन लैम्डा कन्वेक्शन कितना है, लैम्डा कन्वेक्शन कन्वेक्शन इनटू यहाँ पे आ जाएगा एरिया एक्स इनटू एसटी इनटू इसका एफिशिएंसी 140% होता है, 140% इसको देख सकते हैं 140 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि देख सकते हैं 6.5 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस इनटू यहाँ पे देख सकते हैं एक्स टाइम एस टी, एस टी का वैल्यू हमें पता है कि 8.14 है, उसको बाद में यूज करेंगे इनटू 150 डिवाइडेड बाई यहाँ पे इसको देख सकते हैं 1.4 ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के आएगा 9.1 एक्स इंटू एस टी डिस्प्यूटेड है स्थित थ्रू ट्यूब्स, जो ट्यूब्स मिला हुआ उसके थ्रू यहाँ पर डिस्प्यूटेड है, तो हम दोनों के थ्रू हम निकाल लें टैंक और ट्यूब दोनों अपने हीट के पॉइंट कितना डिस्प्यूट करें उसको निकाल लें, टोटल हीट डिस्प्यूट कितना आ जाएगा सिंपल टोटल हीट डिसिपेटेड बाय ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू हीट डिसिपेटेड बाय टैंक, टैंक की वजह से है 12.5 इंटू एस टी सर्फिस एरिया ऑफ टैंक प्लस यहाँ पर 9.1 इंटू एक्स एस टी, ठीक है ये आपका टोटल, ये आपका टैंक की वजह से और ये आपका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर राइज इन ट्रांसफार्मर विद कूलिंग ट्यूब्स कूलिंग ट्यूब्स के साथ साथ में टेम्परेचर राइज पंप जो फॉर्मूला है इसको लिखते हैं टोटल लॉसेस डिवाइडेड बाय टोटल हीट डिसिपेटेड, टोटल लॉस डिवाइड बाय टोटल हीट डिसिपेटेड यहाँ पर हो जाएगा, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे टोटल लॉसेस कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस दिया हुआ 13.1 किलो वाट यानी 13.1 मीट्रिक थाउजेंड वाट डिवाइडेड बाय इस यहाँ पे टोटल हीट डिसिपेटेड कितना है, इसको अगर एस टी कॉमन ले ली यहाँ से बाद एस टी यहाँ पर कॉमन 12.5 प्लस 9.1 एक्स कितना है, ठीक है अब हम एक्स का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो इधर से यहाँ पे मतलब ए आकर अगर थीटा एक्स का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस टर्म को इधर दिया आ जाएगा 12.5 प्लस 9.1 एक्स इज इक्वल टू 13,100 डिवाइडेड बाय थीटा इनटू एस टी यानी कि एक्स का वैल्यू कितना है 12.5 में डाले जाएंगे ये आ जाएगा 13,100 डिवाइडेड बाय थीटा इनटू एस टी माइनस 12.5 डिवाइडेड बाय ठीक है इतना कर दो डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 1.91 और यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि सरफेस एरिया ऑफ टैंक शुरुआत में कैलकुलेट कर 8.14 मीटर स्क्वायर, ठीक है उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 91 13,100 डिवाइडेड बाय 40 डिग्री सेल्सियस इनटू 8.14 मीटर स्क्वायर और यही जो भी पता है स्पेसिफिक हीट का 1 डिग्री सेल्सियस मीटर स्क्वायर, ओके इसको पीछे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 3.0476 ओके, कि सरफेस एरिया ऑफ टैंक जो है ट्यूब है सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब वो ज़्यादा है टैंक से कितना ज़्यादा है 3 गुना टैंक से ज़्यादा,
हमने क्या एग्री किया था कि सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू एस टी, एक्स कितना हो गया 3.04 76 इंटू सरफेस एरिया ऑफ टेन कितना है, सरफेस एरिया ऑफ टेन कितना की है 8.14 मीटर स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा 24.8075 मीटर स्क्वायर। ओके अब अगर बात करें जाए इसमें कि टोटल नंबर ऑफ कूलिंग ट्यूब्स कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कूलिंग ट्यूब्स निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच कूलिंग ट्यूब, एक कूलिंग ट्यूब का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा पाई इंटू डायमीटर ऑफ वन सरफेस, ठीक है, इंटू लेंथ ऑफ वन, वन ही देते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा आपका पाई इंटू डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 मिलीमीटर 15 √3 इंटू यहाँ पे लेंथ दिया हुआ 1 मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने का होगा 0.157 मीटर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट जो फाइनल की नंबर ऑफ ट्यूब्स, ऑफ ट्यूब्स नंबर ऑफ ट्यूब्स कितना आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब कितना है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि दिया हुआ अभी करते हैं x / t 24.8075 डिवाइडेड बाय 1 का, 1 कितना आ जाएगा 0.157 कितना मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा 158 के अराउंड, इतना नंबर ऑफ ट्यूब्स हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है।